आप लोग उम्मीद करता हूँ बहुत ही शानदार जबरदस्त होंगे। आपकी तैयारी काफी अच्छी चल रही होगी। इसी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए मैं दुष्यंत आपके समक्ष उपस्थित हो चुका हूँ आपकी हिस्ट्री की क्लास को लेकर, जो आज का टॉपिक होने वाला है, जो इसके ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं, जो आज हमारा विषय रहने वाला है, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है, बहुत ही अच्छा विषय है। आज हम प्यारे बच्चों जो पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे वर्धन वंश का इतिहास। बोले तो पुष्यभूति वंश जो हुआ था, पुष्यभूति वंश को ही हम वर्धन वंश के नाम से जानते हैं। तो इसके अंदर हम बहुत अच्छी तरीके से, बहुत डिटेल में अंदर जाकर बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा वर्धन वंश को। तो बहुत सुंदर टॉपिक होने वाला है आज आपका। पूरी की पूरी क्लास को देखना है आपको, कहीं कोई स्किप नहीं करना है। आज मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रक्चर के बेस पे बेसिक चीजों की जानकारी देते हुए एकदम कहानी के बेसिस पे, जिससे कि आपको हर एक चीज समझ में आ पाए, चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा और आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने की कोशिश करूंगा, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो और आप अच्छी तरीके से हर एक चीज को समझ पाए। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूंगा, बस एक ही बार कहूंगा, यदि आपको वीडियो या क्लास पसंद आता है तो प्लीज क्लास को जरूर लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा अपनी संख्या को बढ़ाएं, ज्यादा से ज्यादा क्लास को शेयर करें जहां तक आपसे हो सकता है। आपका कोई भी रिलेटिव, आपके दोस्त यार रिश्तेदार, जो भी आपके कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और वो अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, तो प्लीज पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए। इसमें आपका बहुत ज्यादा समय नहीं लगने वाला है, ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 सेकंड लगेंगे। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और यदि आपको पसंद आता है तो आप प्लीज लाइक कीजिएगा। और मैं आपसे हर अपनी क्लास के अंदर ये चीज कहता हूं, यदि आपको हिस्ट्री से जुड़ा हुआ कोई भी डाउट रहता है, कैसे भी, आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसका आपको संतुष्टि भरा हुआ आंसर देने की कोशिश करूंगा, आपको एकदम सेटिस्फाई करने की कोशिश करूंगा, जिससे आपका कोई भी डाउट ना रह पाए और आप हर एक चीज को अच्छे तरीके से समझ पाए। ठीक है, और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास में जाती रहे, आपकी तैयारी एक अच्छी दिशा में बढ़ती रहे। जैसे ही आपके लिए वीडियो पब्लिश होगा, सीधा आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप अपनी तैयारी को या अपने सिलेक्शन को सिक्योर कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए करते हैं आज की क्लास का आगाज बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सुंदर तरीके से आज की आपकी क्लास होने वाली है। आइए देखते हैं आज आपकी क्लास। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, जो आज हम बात करेंगे, हम करेंगे केवल किस पे, वर्धन वंश। वर्धन वंश, वर्धन वंश के ऊपर आज हम क्लास करने वाले हैं, या इसी को हम किस नाम से जानते हैं आपका, पुष्यभूति वंश। पुष्यभूति वंश, वर्धन वंश को पुष्यभूति वंश के नाम से भी आपका जाना जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ी सी मैं आपको इसके बारे में जानकारी देना चाहूंगा, इसको आगे बढ़ाने से पहले ये चीज बतानी चाहूंगा कि आखिर घटनाएं क्या थी उस टाइम की, जो हमें स्रोत मिलते हैं, स्रोतों के माध्यम से जो हमें पता चलता है कि आपका गुप्त साम्राज्य जब अपने पतन की ओर बढ़ रहा था, आपका स्कंद गुप्त के समय में विदेशी आक्रमण होने स्टार्ट हो गए थे 467 ईस्वी के समथिंग आसपास की बात है। उन्होंने आक्रमण, जो कि आपके कबीलों के रूप में ये जाति थी, जो कि अपने लड़ाई दंगे ज्यादा करती थी, लड़ाई के ही बेसिस पे ये अपना सत्ता को स्थापित करती थी, तो ये अपने अफगानिस्तान के रास्ते होते हुए उत्तरी पश्चिमी एरिया से भारत में प्रवेश कर जाते हैं और आपका भारत में अपनी सत्ता स्थापित करने की कोशिश करते हैं। तो उसी समय आपका 467 ईस्वी में जब हुनों का आक्रमण हुआ, तो उस समय आपका स्कंद गुप्त ने उनको भारत की सीमा पर रोक दिया और उसके बाद में कोई भी ऐसे गुप्त साम्राज्य के अंदर कोई भी ऐसा प्रतापी शासक या राजा नहीं हुआ जो हुनों के आक्रमण को रोक सका। ठीक है, इसके बाद में हुनों ने आकर अपने नर्मदा घाटी और आपका पश्चिमी एरिया में और उत्तर के ऊपर कश्मीर के वाले क्षेत्र में अपना स्थायित्व जमा लिया। ठीक है, तो आपका जो वर्धन वंश था या पुष्यभूति वंश था, कि आखिर इसकी नींव कहां से उपजी,
तो जो आपका गुप्त साम्राज्य था, कहा जाता है कि गुप्त साम्राज्य भी एक बहुत बड़ा साम्राज्य था, लेकिन गुप्त साम्राज्य इतना भी बड़ा नहीं था कि जितना का आपका मौर्य साम्राज्य था। ठीक है, कहीं ना कहीं जो गुप्त साम्राज्य था उसका जो लोहा माना जाता था, जैसे समुद्रगुप्त हुआ, समुद्रगुप्त बहुत ही शक्तिशाली शासक हुआ गुप्त काल के अंदर आपका, तो उसका लोहा आसपास के क्षेत्र में माना जाता था, लेकिन उसका एक क्षेत्र सीमित था। डर तो आसपास में बहुत दूर दूर तक था, लेकिन उसका अपना एक क्षेत्र सीमित था कि यहां तक उसके राज्य की सीमाएं हैं। वो क्या करता था कि अपना कोई भी राज्य उसने जीता और उसको जीत के उसी राजा के पास में छोड़ देता था, जिसको हम बोलते हैं सामंत। सामंत का मतलब होता है कि वहां एक पर्टिकुलर एक प्रधान व्यक्ति बना दिया जाता था कि तुम यहां से कर वसूलोगे, टैक्स कलेक्ट करोगे और महाराज के पास में पहुंचाओगे। तो इस तरीके से उनको बोला जाता था, इतिहास के अंदर सामंत बोला जाता था। तो ऐसे ही गुप्त वंशों के अंदर ये जो पुष्यभूति जो थे, जो आपका वर्धन वंश था जिसकी स्थापना पुष्यभूति ने करी थी, ये भी आपके गुप्त वंश के अंदर एक सामंत थे। कहां पे? आपका श्रीकंठ के अंदर। श्रीकंठ एक जनपद हुआ करता था जो वर्तमान में आपका आज के समय का देखा जाए तो पंजाब का एरिया और थोड़ा बहुत जो आता है आपका किसका एरिया आता है, हरियाणा का एरिया आता है। तो इसको जो वर्तमान का ये जो पंजाब और हरियाणा वाला एरिया है, ये कभी श्रीकंठ जनपद हुआ करता था। तो इसी श्रीकंठ जनपद के आपके पुष्यभूति कौन थे? सामंत थे। ठीक है, समझ आ गई आपको चीजें। तो जब आपका गुप्त काल अपने पतन की ओर बढ़ा और विदेशी आक्रमण हुए, तो कहीं ना कहीं छोटे छोटे राजवंश उभरने लगे, छोटे छोटे राजवंश उभरने लगे। इसमें हमें देखने के लिए मिलता है मालवा और आपका मध्य भारत में आपका गुप्तों को देखने के लिए मिलता है, आपका पंजाब में हूनों को देखने के लिए मिलता है, आपका कन्नौज में मोखरी वंश देखने के लिए मिलता है, आपका थानेश्वर में आपका पुष्यभूति वंश देखने के लिए मिलता है। तो ये कहीं ना कहीं छोटे छोटे राजवंश अपनी शक्ति को बाहर निकालने लगे और एक छोटे छोटे राजवंश की मतलब स्वतंत्र राज्य स्थापित करने लगे। ये सारे के सारे गुप्तों के क्या थे? सामंत थे। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा। अब यहां से जो आगे की कहानी स्टार्ट होती है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छी कहानी है, इसको आगे समझेंगे। तो जो इसका जो संस्थापक था वो कौन था? आपका पुष्यभूति था संस्थापक। संस्थापक कौन था? आपका पुष्यभूति ही था। पुष्यभूति इसका कौन था? संस्थापक था आपका किसका? वर्धन वंश या पुष्यभूति वंश का। अब बात जो आती है ये पुष्यभूति की आती है, तो कैसे पता चलता है कि ये आपके गुप्तों के सामंत थे? एक तो इनकी उपाधि, जो इनकी उपाधि थी जो टाइटल थी उससे पता चलता है। इन्होंने जो उपाधि धारण करी थी वो किससे, वो कौन सी उपाधि धारण करी थी? महाराज की उपाधि इन्होंने धारण करी थी। किसने? आपकी पुष्यभूति ने। कहा जाता है आपका जो पुष्यभूति थे इन्होंने महाराज की उपाधि धारण करी थी, और इनके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है, जो बताया जाता है कि आपका वर्धन वंश के बारे में इतनी ज्यादा जानकारी नहीं है, शुरू के जो राजा हुए हैं उनके बारे में हमको कोई ज्यादा विशेष जानकारी उपलब्ध अभी तक हो ही नहीं पाई है, लेकिन आपकी जो वंशावली देखने के लिए मिलती है वो हमें वानसेना अभिलेख जो कि आपका हर्ष का था, कहां से मिला है? शाहजहांपुर यूपी से। मैं ये जो स्रोत जब पढ़ाऊंगा इसका आपको बहुत अच्छी तरीके से हर एक चीज पढ़ाऊंगा, वानसेना अभिलेख, मधुबन अभिलेख, आपका जो मुद्राएं मिली है सोनीपत से मिली है, नालंदा से मिली है, फरुखाबाद से मिली है, ये हर एक चीज को मैं बहुत डिटेल के साथ में आपको आज पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो ये जो उपाधि हमें धारण, ये जो उपाधि के जो पता चला है, ये हमें पता चला है कहां से? वानसेना अभिलेख, जो कि आपका किसका था? हर्षवर्धन का था। इसी के माध्यम से हमें पता चलता है कि पुष्यभूति ने इस वंश की क्या करी थी? स्थापना करी थी। अभी आगे थोड़ा सा बढ़ूंगा, साहित्य में एक इनके दरबारी कवि हुए थे जिनका नाम था बाणभट्ट, जिसने एक पुस्तक लिखी थी इनके ऊपर, कौन सी? हर्षचरित्र एक पुस्तक लिखी थी बाणभट्ट ने, बहुत ही फेमस पुस्तक रही है जिसको हमें पढ़ने की बहुत जरूरत है।
जहां से क्वेश्चन बनते हैं अक्सर, ठीक है। अगर जो आप इनकी वंशावली के बारे में देखो तो पुष्य भूति के बाद में आते हैं आपके नंदवर्धन, नंदवर्धन आते हैं, इनके बाद में आते हैं आपके राज्यवर्धन प्रथम आते हैं, राज्यवर्धन आते हैं, इनके बाद नंदवर्धन के बाद में, ठीक है। ये सीक्वेंस आपको ध्यान में रखना है, राज्यवर्धन प्रथम हो गया, इनके बाद में आते हैं आपके आदित्यवर्धन आते हैं, आदित्यवर्धन आते हैं, इनके बाद में जो आते हैं आपके प्रभाकर वर्धन आते हैं, प्रभाकर वर्धन आते हैं, और प्रभाकर वर्धन के बाद में, प्रभाकर वर्धन से आपकी तीन संतानें होती हैं प्रभाकर वर्धन की, ये ऐसे एरो निकाल के हम समझाने की कोशिश करते हैं आपको। जो आपके बड़े बेटे होते हैं वो कौन होते हैं, फिर राज्यवर्धन होते हैं, फिर से राज्यवर्धन, राज्यवर्धन सेकंड इनको बोला गया है, ठीक है। ये आपके किस धर्म के अनुयायी थे, ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, ये बौद्ध धर्म को मानते थे, बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। और जो आपके पुष्यभूति थे ये किस धर्म के अनुयायी थे, शैव, शैव धर्म के अनुयायी थे ये आपके कौन, पुष्यभूति, ठीक है। और ये आपके जितने भी वर्धन जो हमें वंशावली देखने के लिए मिलती है, जो सीक्वेंस देखने के लिए मिलता है, ये सारे किस वंश के, किस धर्म के अनुयायी थे, आपके शैव धर्म के अनुयायी थे। लेकिन जो आपके प्रभाकर वर्धन हुए, जो महाराज हुए, सॉरी महाराज जो हुए, सबसे जो प्रतापी, जो वास्तविक संस्थापक माने गए हैं किसके, पुष्यभूति वंश के, उनके बेटे थे राज्यवर्धन सेकंड, राज्यवर्धन सेकंड जो थे ये आपके किस धर्म को मानते थे, ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। इनकी एक पुत्री हुई जिसका नाम था राज्यश्री, राज्यश्री, और जो छोटे पुत्र थे उनका नाम था हर्षवर्धन, हर्षवर्धन। बताया जाता है कि ये प्रभाकर वर्धन भी आपके किस धर्म के अनुयायी थे, शैव धर्म के अनुयायी थे, किसके धर्म के अनुयायी थे, शैव धर्म के। और ये जो थे ये भी पहले आपके शैव धर्म के ही अनुयायी थे, लेकिन बाद में आकर इन्होंने अपने किसको धर्म को मान लिया, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में भी कौन सा, महायान संप्रदाय, किसका, महायान संप्रदाय को इन्होंने अपनाया, ठीक है। तो ये थे आपके प्रभाकर वर्धन, और प्रभाकर वर्धन को ही वास्तविक संस्थापक, वास्तविक, वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक माना जाता है किसका, आपका वर्धन वंश का। ये जो हमें वंशावली देखने के लिए मिलती है, ये हमें सारी जो जानकारी मिलती है ये हमें वंशखेड़ा अभिलेख से मिलती है, लेकिन अभी तक की जानकारी में ये पता नहीं लग पाया है कि ये जो नंदवर्धन था इसका पुष्यभूति के साथ में क्या रिलेशन था या क्या कनेक्शन था, इसका अभी भी कोई हमें स्रोत नहीं मिल पाया है। पता है, बस इतना बताया जाता है, इतना पता चला है कि जो संस्थापक थे वो पुष्यभूति थे, जो संस्थापक थे वो आपके पुष्यभूति थे, और जो आपका जो वंशावली देखने के लिए मिलती है वो, सॉरी ये नंद नहीं है, नरवर्धन है, सॉरी 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 नरवर्धन, ये हमें नरवर्धन से देखने के लिए मिलती है। और नरवर्धन के बाद में आते हैं राज्यवर्धन प्रथम, राज्यवर्धन प्रथम के बाद में आते हैं आदित्यवर्धन, आदित्यवर्धन के बाद में आते हैं प्रभाकर वर्धन, जो कि आपके वास्तविक संस्थापक इसलिए माने जाते हैं क्योंकि इनकी उपाधि से हमें पता चलता है, किससे, उपाधि जो इन्होंने धारण करी थी, क्या क्या करी थी, महाराज धीराज, महाराज धीराज, महाराज धीराज, इससे हमें पता चलता है कि जो आपका प्रभाकर वर्धन थे, जो आपका प्रभाकर वर्धन थे, ये एक स्वतंत्र साम्राज्य इन्होंने स्थापित किया था। जहां तक देखा जाता है नरवर्धन, राज्यवर्धन और आदित्यवर्धन और पुष्यभूति स्वयं, ये कौन थे, गुप्तों के सामंत थे, उनके राज्य के अधीन कार्य करते थे, आपका गुप्तों का इनके ऊपर शासन था कहीं ना कहीं। लेकिन जैसे ही गुप्त लड़खड़ाए, क्या करा प्रभाकर वर्धन ने आकर यहां जगह, इसको तभी वास्तविक संस्थापक कहा गया है क्योंकि इसने अपने आप को पूर्ण तरह से क्या कर दिया, स्वतंत्र घोषित कर दिया। और इसी समय हूणों का आक्रमण होता है आपका किस पर, भारत के ऊपर, इनके समय में भी हूण आक्रमण, भाई आपका
स्कंद गुप्त के समय में तो हो ही रहा था, लेकिन मैंने क्या कहा कि स्कंद गुप्त के बाद में सत्ता लड़खड़ाई, और सत्ता लड़खड़ाई तभी तो आपका प्रभाकर वर्धन एकदम स्वतंत्र राज्य हुआ। तो कहीं ना कहीं आपका इनके समय में भी हूणों का आक्रमण रहा होगा। तो ये जो राज्यवर्धन सेकंड है, ये जो राज्यवर्धन सेकंड है, हूणों से लड़ने के लिए प्रभाकर वर्धन इनको भेजते हैं, किसको, राज्यवर्धन सेकंड को, कि जाओ तुम हूणों के आक्रमण को रोको। तो बताया जाता है कि आपका राज्यवर्धन जाते हैं और इन्हीं के पीछे पीछे आपका हर्षवर्धन भी चले जाते हैं, क्योंकि हर्षवर्धन छोटे थे तो इनको युद्ध में नहीं भेजा गया था, लेकिन ये पीछे से चले जाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप लोग फिजूल के बातों में बहुत टाइम बिता देते हैं, बहुत ज्यादा टाइम बिता देते हैं, लेकिन कुछ यूट्यूब पे इतना ज्ञान पड़ा हुआ है ना कि आप लोग लेना नहीं चाहते हो। रील्स देखने में आप एक दो घंटा बिता दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको उस चीज से, लेकिन आपको कोई अच्छी चीज देखने के लिए मिल जाए ना तो उसको आप कुछ भी समझते ही नहीं है, आपकी निगाह में वो नगण्य है बिल्कुल, जिसका कोई मतलब ही नहीं है, कोई उसका मोल ही नहीं है। सर मैं आपसे कहता हूं, आप एक एपिसोड चलता है भारत की खोज, भारत की खोज आप डाल के देखना, एपिसोड नंबर 20, आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी सर, आपके दिमाग में इस तरीका से सेट हो जाएगी चीजें, आपके दिमाग में इस तरीका से सेट हो जाएगी। आप डालना यूट्यूब पे भारत की एक, भारत एक खोज, भारत एक खोज एपिसोड नंबर 20, आपको सीधा मिल जाएगा हर्षवर्धन के बारे में, और बहुत अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश भी करी गई है उसमें, ठीक है। मेरे आपसे कहना चाहता हूं कि एक बार जाकर जरूर देखिएगा, ठीक है, और वहां एक इसी एपिसोड को नहीं सारे एपिसोड देखिए, बहुत अच्छे हैं, आपको कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट होगा जरूर, आपके पढ़ाई के एरिया में, आपकी सक्सेस के एरिया में कहीं ना कहीं आपको उसका जरूर लाभ मिलेगा, इस चीज की गारंटी देते हैं आपको, ठीक है। तो आपका हर्षवर्धन जो था ये भी शैव धर्म का अनुयायी था, बाद में बौद्ध धर्म इन्होंने अपना लिया था। तो आपका हूणों के आक्रमण के रोकने के लिए आपका राज्यवर्धन जाते हैं, बता देते हैं आपको जो प्रभाकर वर्धन थे, जो इनकी पत्नी का नाम था क्या, पत्नी का नाम क्या था, यशोमती इनकी पत्नी का नाम था, मतलब कि राजेश्वरी और राज्यवर्धन और हर्षवर्धन की माता का नाम क्या था, यशोमती था। बताया जाता है कि जब ये हर्षवर्धन सेकंड अपने हूणों को परास्त करने के लिए वहां पर जाते हैं तो पीछे से आपका हर्षवर्धन भी चले जाते हैं। तो जब ये जंगल में शिकार कर रहे होते हैं और आपका राज्यवर्धन युद्ध कर रहे होते हैं, तो तभी इनका एक दूत वहां पर पहुंचता है और इनको सूचना देता है कि महाराज की बहुत ज्यादा तबीयत खराब है और कहीं ना कहीं वो अपने अंतिम समय की ओर बढ़ रहे हैं। हर्षवर्धन वहां से सीधे राज्य की ओर कूच कर जाते हैं और वहां से सीधा राज्य पहुंचते हैं, देखते हैं कि पिता का क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, और यहीं से यशोमती है ये क्या कर लेती है, सती हो जाती है। क्या हो जाती है आपकी, सती हो जाती है, मतलब कि महाराज की मृत्यु होने से पहले ही क्या कर लेती है, यशोमती अपने आप को क्या कर लेती है, सती कर लेती है, मतलब कि अग्नि में अपने प्राणों की आहुति दे देती है सती। तो हमें यहां से पहला ये देखने के लिए भी मिलता है कि जो सती होने का जो शुरुआत हुई है वो कहीं ना कहीं आपका उच्च वर्ग से ही हुई है। तो सती होने का जो पहला हमें वो देखने के लिए मिलता है वो यशोमती के द्वारा देखने के लिए मिलता है। बताया जाता है राजेश्वरी की जो आपकी विवाह हुआ था वो कन्नौज के एक राजा हुए थे, मोखरी वंश के एक राजा हुए थे आपके, जिनका नाम था ग्रहवर्मा, उनके साथ में इनका विवाह हुआ था, और ग्रहवर्मा जो थे ये आपके ग्रहवर्मा तो ये जो ग्रहवर्मा थे ग्रहवर्मा ये आपके मोखरी वंश के थे, और जो मोखरी वंश था ये राजेश्वरी की जो आपका जो पहला बाल विवाह देखने के लिए जो हमें मिलता है, कौन सा बाल विवाह, इसका जो साक्ष्य हमें देखने के लिए मिलता है वो कहां से मिलता है, आपका वर्धन वंश या पुष्य भूति वंश के अंदर से मिलता है। इसका बहुत छोटी उम्र में आपका विवाह कर दिया जाता है ग्रहवर्मा से, लेकिन आपका कहीं ना कहीं जब आपका ये पुष्य भूति वंश इतने चरम पर बढ़ता जा रहा था, बहुत ज्यादा उभरता आ रहा था, तो आपके जो गुप्त शासक थे, जो मध्य के गुप्त थे, उनमें देवगुप्त
और आपका जो गौड़ शासक थे शशांक, गौड़ आपका जो बंगाल में एक शासक हुआ करते थे शशांक, जिन्होंने बौद्ध गया में बौद्ध वृक्ष को कटवा दिया था, ठीक है वही शशांक है। उन्होंने मिलकर इनके जीजा किसके, हर्षवर्धन और राज्यवर्धन के जीजा की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। किसने, आपका गौड़ नरेश शशांक और आपका किसने, देवगुप्त ने इसकी हत्या कर दी कन्नौज में जाकर, ठीक है। तो राजेश्वरी क्या करती है, वहां से सती होने का प्रयास करती है, क्योंकि इनकी ये इनको शिक्षा कहां से मिली, इनकी मां से मिली थी, क्योंकि मां पहले ही सती हो गई थी, तो बेटी भी उसी प्रयास को करने चलती है। लेकिन जैसे ही इनको पता चलता है दोनों भाइयों को, इनके पिता की महाराज की और आपके माता की दोनों की डेथ हो चुकी है, और अब बहुत ही आहत हैं दोनों, राज्यवर्धन भी और हर्षवर्धन भी। लेकिन तभी इनको पता चलता है कि आपका कि इस तरीके से ये बात हो गई है, तभी राज्यवर्धन ये अपने वचन लेते हैं कि अब मैं गौड़ नरेश शशांक और देवगुप्त को नहीं छोड़ने वाला, अब मैं उनको मृत्यु दंड दे के रहूंगा। और ये क्या करते हैं, युद्ध करने के लिए ठान लेते हैं और यहां से निकल जाते हैं। तो आपका ये देवगुप्त को तो मार देते हैं, लेकिन किसी कारण से ये पता चलता है कि ये गौड़ नरेश शशांक की बातों में फंस जाते हैं और वो इनकी हत्या कर देता है। बताया जाता है कि वो खाने पर इनको आमंत्रित करता है और वहां जाकर इनकी खाने में कुछ मिलाकर इनकी हत्या कर देता है, पीछे से इनको वार करके इनको मार देता है, ठीक है। तो यहीं से आपका हर्षवर्धन का और शशांक का जो शत्रुता चली आ रही थी वो इसी कारण चली आ रही थी, ठीक है। हर्षवर्धन को जैसे ही ये समाचार मिलता है, हर्षवर्धन ठान लेते हैं कि अब मैं गौड़ नरेश को छोड़ने वाला नहीं हूँ, शशांक को बिल्कुल छोड़ने वाला नहीं हूँ, क्योंकि उसने उसके भाई को मारा और उसके जीजा को मारा, दोनों को उसने मार दिया था अपनी कूटनीतियों के कारण। तभी हर्षवर्धन वहां से अपने सेनापति को लेते हैं और वहां से कूच कर जाते हैं और गौड़ नरेश को परास्त करके उसको क्या कर देते हैं, मार देते हैं, क्योंकि पूर्व में कहीं ना कहीं उसका अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ चुका था पूर्व के साइड में। तो वहां की जनता या वहां की प्रजा की भी यह मांग थी कि हर्षवर्धन का शासन यहां आए, ठीक है। इन्हीं के दरबार में आपका कौन आया था, चीनी यात्री हेनसांग जो आया था, इन्हीं के दरबार में आया था। इसके बारे में हम बहुत अच्छी तरीके से जानकारी करेंगे, क्योंकि हर्षवर्धन के बारे में जो जानकारी है वो बाणभट्टी की पुस्तक हर्षचरित्र में पूरी तरीके से नहीं है। वहां 8 अध्याय सारे हैं और 8 अध्याय में 3 अध्याय खुद बाणभट्टी की आत्मकथा है और 5 अध्याय जो आगे के हैं वो हर्ष के चरित्र के बारे में बताते हैं। इसलिए हमें पूरा इतिहास नहीं पता चल पाता है आपका हर्ष का, किससे, हर्षचरित्र से। तो इसलिए हमें जरूरत पड़ती है किसकी, हुएनसांग ने जो यहाँ कर भ्रमण किया, जो 15 साल यहाँ पर रहा, लगभग आपका 629 में वो भारत आ गया था और 645 में भारत से गया था। तो इस बीच में जो हुएनसांग ने यहाँ का जो भ्रमण करा, तो हुएनसांग से भी हमें बहुत ज्यादा जानकारी मिलती है किसके बारे में, हर्षवर्धन के बारे में आपके, ठीक है। आपके जो ये प्रभाकरवर्धन थे, प्रभाकरवर्धन से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इनके जो राजवैद्य थे कौन, राजवैद्य, इनके नाम पूछे गए हैं आपसे किसी पेपर के अंदर, तो इनको देख लेंगे हम। एक का नाम था रसायन, एक का नाम था आपका रसायन और दूसरे का नाम क्या था, सुसेन, क्या, सुसेन, सुसेन। ये दो आपके राजवैद्य कवि थे, सॉरी राजवैद्य थे इनके, किसके, प्रभाकरवर्धन के, ठीक है। और आपके इन चीजों के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, स्थापना पुष्य भूति ने की थी, टाइटल इन्होंने महाराज का धारण किया था, सैवधर्म के अनुयायी थे, लेकिन ये अभी तक जानकारी नहीं मिली है कि नरवर्धन और पुष्यभूति का क्या संबंध था। लेकिन हमें देखने के लिए मिलता है इनका जो क्रम है वो कभी हमें देखने के लिए मिल सकता है, आगे आने वाले पेपरों में देखने के लिए मिल सकता है कि नरवर्धन आपका राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन और प्रभाकरवर्धन। लेकिन अभी भी आपके दिमाग में एक डाउट आ रहा होगा कि श्रीकंठ तो आपने बता दिया कि श्रीकंठ में इसकी स्थापना हुई थी, कहां पे, श्रीकंठ में इसकी स्थापना हुई थी, जो कि आपका मैंने बताया वर्तमान का पंजाब
और जो हरियाणा का थोड़ा सा क्षेत्र है वो आता था, लेकिन इसको पढ़ा जाता है कि ये सब थानेश्वर में थे, ये आपके थानेश्वर में थे। तो फिर कैसे हुआ, जो आपका प्रभाकर वर्धन है, जो आपका प्रभाकर वर्धन है ये इसको थानेश्वर लगता है, थानेश्वर जो राजधानी बनाता है, थानेश्वर जो राजधानी बनाता है वो कौन बनाता है, आपका प्रभाकर वर्धन बनाता है, ठीक है। लेकिन हर्षवर्धन क्या करता है, हर्षवर्धन अभी हम पूरे डिटेल से हर्षवर्धन को पढ़ेंगे, ठीक है। ये मैं आपको केवल और केवल एक कहानी समझा रहा हूं ताकि आपको अच्छी तरीके से हर एक चीज समझ आ पाए और आपके दिमाग का कहीं ना कहीं विकास हो पाए और आप उस लेवल पे पहुंच सके। यदि एग्जामिनर आपसे कहीं से भी क्वेश्चन कोई भी किसी भी प्रकार से घुमा के फिरा के किस तोड़ मरोड़ के कैसे भी आपके सामने प्रस्तुत कर दे तो आप किसी भी तरीके से ना घबराओ। मैं उम्मीद करता हूं कि जिस तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपके दिमाग में एक एक चीज सेट हो रही होगी, उससे बुद्धि के बाद में धनवर्धन, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन, वास्तविक संस्थापक प्रभाकर वर्धन, इनके तीन पुत्र, दो पुत्र एक पुत्री, राज्यवर्धन सेकंड बौद्ध धर्म का अनुयायी था, बाकी सारे सैव धर्म के थे, राजेश्वरी का विवाह हुआ ग्रह वर्मा किस वंश के थे, मोखरी वंश, मोखरी वंश, जो कि आपका कहां पे था, कन्नौज के अंदर था, ठीक है। हर्षवर्धन सैव धर्म के थे, बाद में आपका कौन हो गए, बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए। बाल विवाह का यहां से साक्ष्य देखने के लिए मिलता है, पत्नी यशोमती थी, इनकी माता यशोमती थी, इसने पहले सती कर लिया था अपने आप को, और ये भी सैव धर्म के अनुयायी थे, उपाधि महाराजा धीराज की करी थी, इनके तो राजवैद्य थे आपके रसायन और सुसेन, ठीक है। एक चीज हमको देखने के लिए मिलती है कि थानेश्वर से राजधानी कन्नौज जो आपकी स्थानांतरित करी थी वो किसने करी थी, आपकी हर्षवर्धन ने करी थी, कहां पे, कन्नौज, क्योंकि वहां जो मोखरी वंश था उसके राजा को तो मार दिया ग्रह वर्मा को तो मार दिया आपका गौड़ नरेश शशांक और देवगुप्त ने, तो कन्नौज को दूसरी राजधानी बनाया। क्यों, हर्षवर्धन ने यह प्रण ले लिया था अपना कि अब मैं उत्तर में अपनी सत्ता को स्थापित करूंगा, और कहीं ना कहीं सत्ता स्थापित करने के लिए उस एरिया में अपने पैर जमाने मजबूत करने जरूर होते हैं। तो कन्नौज वह आपका पाटलिपुत्र और आपका एक और था, ध्यान नहीं आ रहा है, पाटलिपुत्र उस टाइम बहुत ही नाजुक स्थिति में आ चुका था, क्योंकि पाटलिपुत्र जो था वो आपका कहीं ना कहीं मुद्रा का मेन केंद्र होता था, जितने भी आसपास के जितने भी कंट्री होते थे वो सारे नदियों और समुद्र के रास्ते व्यापार करने आते थे, और वो सारे आकर के कहा जाता है पाटलिपुत्र व्यापार की मंडी हुआ करता था, क्योंकि वहां से जो सिक्के हमें प्राप्त होते हैं ये उस चीज की जानकारी देते हैं कि सारा जो व्यापार होता था वो पाटलिपुत्र में आकर होता था। लेकिन भारी आक्रमण के कारण और बहुत से ऐसे कारण हुए जिनके कारण मुद्रा प्रणाली क्या होती दिखाई दी, विफल होती दिखाई दी, तो कहीं ना कहीं पाटलिपुत्र की जो स्थिति थी वो बिल्कुल बेकार हो चुकी थी। तो पाटलिपुत्र जो वर्तमान का पटना है उस टाइम इतना इंपॉर्टेंट नहीं था जितना कि कन्नौज बन गया था। कन्नौज उत्तर प्रदेश का इतना इंपॉर्टेंट बन गया था उत्तर को विजय करने के लिए कि जो भी आगे आया, जो भी गुप्तोत्तर काल के अंदर आया वो अपनी राजधानी कन्नौज को बनाना चाहता था। लेकिन इससे क्या फायदा हो सकता था, सबसे पहली बात की आपका जो राजधानी होती थी उसकी चौबंदी करनी होती थी, तो इसके लिए क्या होता था कि एक ऊंची जमीन की जरूरत पड़ती थी। तो कन्नौज पहले से ही आप देखोगे आज भी तो कन्नौज एक ऊंचाई पर बसा हुआ है आज भी, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने कन्नौज को चुना और यहां से आपका उत्तर के सारे एरिया को कवर करना भी आसान था, ठीक है। तो यहां से ये आपको जानकारी मिल गई कन्नौज को राजधानी क्यों बनाया और किसने बनाया था, आपका हर्षवर्धन ने ये आपका बनाया था, ठीक है। अब आगे चलते हैं आपका पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के बारे में, जो हमें स्रोत मिलते हैं, जो जानकारियां मिलती है वो कहां कहां से मिलती है, ठीक है। तो यहां डाल देते हैं स्रोत वर्धन वंश, ठीक है। तो वर्धन वंश डाल देते हैं और यहां से देखते हैं हम क्या स्रोत। तो प्यारे बच्चों ये जो स्रोत है, जो हमें जानकारियां मिलती हैं, ये मेनली तीन चीजों से मिलती हैं हमें। ये तीन चीज है हमारी जिनसे हमें जानकारी मिलती है, एक तो विदेशी विवरण,
विदेशी विवरण, दूसरा जो हमें मिलती है साहित्य लिटरेचर साहित्य, और तीसरा जो मिलती है पुरातात्विक से मिलती है। तीसरी जो मिलती है हमें किससे मिलती है, पुरातात्विक से मिलती है, पुरातात्विक, ठीक है। ये तीनों से हमें जानकारी मिलती है। अब इनको मैं आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा बहुत अच्छे तरीके से, समझने की कोशिश करेंगे छोटी से छोटी चीज को। यदि अभी भी कोई डाउट रह जाता है तो मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूं कि आप कमेंट कीजिए, पूछिए तो सही सर, मैं आपको संतुष्टिजनक संतुष्टि भरा आंसर आपको दूंगा और आपके हर एक डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए सर, कितनी मेहनत करके मैं आपके लिए ये कंटेंट तैयार कर रहा हूं आप सोच नहीं सकते। आप एक बार मॉक लगाकर तो देखिए, आपका क्वेश्चन गलत हो जाए तो कमेंट में कहना कि हाँ सर हमारा क्वेश्चन गलत हो गया, या भैया हमारा क्वेश्चन गलत जा रहा है। अभी भी मैं आपको उस लेवल पे पढ़ा रहा हूँ, उस लेवल पे पढ़ा रहा हूँ कि जहां पे आपको कोई पढ़ाने की कोशिश नहीं कर सकता। मेरे प्यारे भाइयों, मैं प्यारे भाइयों बहनों, मैं आपको उस लेवल तक ले जाना चाहता हूँ, उस लेवल को टच कराना चाहता हूँ कि एग्जामिनर आपसे कहीं भी पूछ ले, अरे सर आपका वन डे एग्जाम होता है, कहां तक पूछेगा, कहां तक। सर मैं गारंटी देता हूँ, ये जो लेवल में आपको ले जा रहा हूँ ना, जहां पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ सर, बहुत डीप लेवल है, इतना डीप लेवल है कि कहीं से भी पूछ ले एग्जामिनर, आपको खुद महसूस हो रहा होगा कि कितने डीप में जाकर आपको ये चीजें मैं पढ़ा रहा हूँ। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा प्लीज, ठीक है। तो विदेशी विवरण में हम देखते हैं किसको, हुए इंसान, हुए इंसान आता है आपका कितने में, 629 से 645 में चीन वापस चला जाता है। ये जो आपका आता है हुए इंसान, ये किस लिए आता है, ये बौद्ध धर्म के बारे में, जो आपका बौद्ध धर्म था इसमें दो आपके संप्रदाय हुए थे, हीनयान और महायान, हीनयान और महायान। तो आपका चाइना में इसको लेकर बहुत ज्यादा विवाद उत्पन्न हो गया था लोगों के बीच में कि हीनयान ये है महायान ये है। तो इसी को सेटिस्फाई करने के लिए, इसी की चीज की जानकारी लेने के लिए आपका हुएनसांग भारत खुद बौद्ध धर्म के देश सॉरी बौद्ध महात्मा बुद्ध के देश आता है। इसमें भारत एक खोज में बहुत अच्छी तरीके से ये चीज समझाई गई है, हुएनसांग भारत आता है किस लिए, बौद्ध धर्म की पूर्ण जानकारी निकालने के लिए कि आखिर हीनयान क्या है और महायान क्या है, इस चीज की जानकारी इसके बारे में। इसके बाद आता है इतिसिंह आता है, ये आता है आपका 670, ये आता है आपका 670 ईस्वी में। कहा जाता है कि नालंदा में इसके अनुसार 10,000 बौद्ध भिक्षु, 10,000 बौद्ध भिक्षु, 10,000 बौद्ध भिक्षु रह सकते थे। और जो नालंदा के लिए जो आपका 100 गांवों का जो कर होता था, 100 गांवों से जो कर इकट्ठा करा जाता था वो दिया जाता था, लेकिन आपका जो इतिसिंह कहता है वो कहता है कि यहाँ केवल 3,000 बौद्ध भिक्षु रहने के ही जगह थी, ठीक है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। और ये कहता है कि यहाँ 200 गांवों से कर दिया जाता था, मतलब 200 गांवों के बराबर का कर यहाँ पे दिया जाता था, ठीक है। लेकिन इस चीज से हमें कोई मतलब नहीं है, इतना खास डीप में जाने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने आपको जानकारी के तौर पर ये चीजें बताई है, ठीक है। आगे देखते हैं आपका, तो ये तो हो गए हमारे विदेशी विवरण के बारे में, अब बात करते हैं साहित्य के बारे में कि हमें साहित्य से किस प्रकार जानकारी मिलती है इनकी। तो प्यारे बच्चों साहित्य से मिलती है हमें जैसे आपका हर्षचरित से हमें जानकारी मिलती है, जो कि पुस्तक किसकी है, बाणभट्ट ने लिखी है। बाणभट्ट की एक और पुस्तक है जो बहुत फेमस है, कादम्बिनी, ये आपकी बाणभट्ट की पुस्तक है, ये भी आपकी पूछी जाती है। और एक और साहित्य है जिससे हमें आपका वर्धन वंश के बारे में जानकारी मिलती है, याद आएगा तुरंत मैं बताऊंगा आपको। अब देखते हैं पुरातात्विक के स्रोत क्या है, पुरातात्विक स्रोत को हम देखें तो आपका अभिलेख हो गए, आपका अभिलेख हो गए,
और आपका मुद्रा प्रणाली हो गई, मुद्रा प्रणाली हो गई, आपके अभिलेख हो गए, और आपका मुद्रा प्रणाली हो गई, अभिलेख हो गए, बस ये दो चीजों से हमें इसकी जानकारी मिलती है। अभिलेख में हम देखेंगे तो अभिलेख में आपके आते हैं तीन अभिलेख हमारे सामने आते हैं, जैसे आपका वंशखेड़ा अभिलेख, दूसरा आपका वंशखेड़ा कहां पे पड़ता है, शाहजहांपुर में पड़ता है आपका वंशखेड़ा अभिलेख, आपका मधुबन अभिलेख कहां पड़ता है आपका मऊ जिला उत्तर प्रदेश के अंदर ही पड़ता है, शाहजहांपुर भी उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है। एक आपका जो मिलता है एहोल अभिलेख से भी इसकी जानकारी मिलती है। एहोल अभिलेख किसका है, पुलकेशिन द्वितीय का है, किसका है, पुलकेशिन द्वितीय, जो कि आपके बादामी के चालुक्य हुए थे, कौन से बादामी के चालुक्य हुए थे, जिसमें नर्मदा नदी की घाटी में आपका हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध होता है 630 AD में इनका युद्ध होता है, और वहां पर क्या करता है, पुलकेशिन द्वितीय से हर्ष को अपने हार का सामना करना पड़ता है। एक यही इनके राज्य में एक ऐसा शासक हुआ था जिससे इन्होंने अपनी हार का सामना करना पड़ा, ठीक है। तो एहोल अभिलेख से हमें इसकी जानकारी मिलती है, किसका था, पुलकेशिन सेकंड। और ये कौन थे आपके, चालुक्य के राजा थे, चालुक्य भी कौन से आपके, बादामी के चालुक्य बताया जाता है। वैसे मैं आपको सेपरेट इसको पढ़ाऊंगा, पर आपको जानकारी के लिए बता देता हूं, जो बादामी के चालुक्य हुए थे ये महाराष्ट्र और आपका कर्नाटक, वर्तमान के महाराष्ट्र और कर्नाटक में इनका राज्य था, ये चालुक्य वंश जो था आपका कहां पे था, महाराष्ट्र और आपके कर्नाटक में ये था। और जो वर्तमान में आपका चालुक्य वंश जो देखने के लिए मिलता है वो कर्नाटक में ज्यादा देखने के लिए इसका विस्तार मिलता है, कर्नाटक में ही इसकी राजधानी हुआ करती थी, ठीक है। बादामी जो हुई थी ये कहां हुई थी आपकी, कर्नाटक के ही अंदर थी वर्तमान में, ठीक है। तो ये आपके तीन अभिलेख थे। मुद्रा यदि मैं देखता हूं यहां से इनकी मुद्रा, तो मुद्रा के बारे में आपका जो मुद्राएं मिली है आपकी तीन जगह से मिली है आपका, जैसे सोनीपत से मुद्रा मिली है इनकी, और आपका नालंदा से मिली है, और एक जगह से और मिली है इनकी मुद्रा, सोनीपत, नालंदा, और आपका एक और जगह से इनकी मुद्रा मिली है। बाकी इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, आपको इतना याद रखना है कि हमें दो इन माध्यमों से हमें इनकी जानकारी मिलती है, विदेशी विवरण, साहित्य और पुरातात्विक। पुरातात्विक में इनके अभिलेखों से इनकी जानकारी मिलती है, मुद्राओं से इनकी जानकारी मिलती है, ठीक है। बात करता हूं थोड़ी सी हर्षचरित, जो हर्षचरित है वो आपका किसी के भी चरित्र के ऊपर लिखा हुआ, पहला हिंदी में है साहित्य, और ये आपका इसमें 8 अध्याय हैं। इतना डीप कभी आपको पूछेगा नहीं, पर फिर भी जानकारी के लिए मैं आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूं। जो हर्षचरित है इसमें 8 अध्याय हैं, जिसमें आपके तीन जो शुरू के जो 3 अध्याय हैं वो खुद बाण भट्ट की आत्मकथा है, और जो बाद के 5 है वो किसके, हर्ष का चरित्र। ये जो बाद के 5 है इनमें हर्ष के चरित्र के बारे में बताया जाता है, इसीलिए कहा जाता है कि पूर्णतः, क्योंकि 8 अध्याय में से कुल 5 की जानकारी हमें किससे मिलती है, हर्ष चरित्र से मिलती है, इसीलिए कहा जाता है कि पूर्णतः जो हमें वर्धन वंश को जानकारी जो मिलती है वो हर्ष चरित्र से नहीं मिल सकती, इसीलिए हमको पढ़ना पड़ता है किसको, हुएनसांग ने जो आपका महायान ग्रंथ लिखा था, ये महायान ग्रंथ के बारे में जो जानकारी प्राप्त करी थी उसको हमें पढ़ने की जरूरत पड़ती है, उससे हमें पता चलता है कि आखिर हर्ष का शासन कैसा था, अपने राज्य में उसने क्या क्या काम किए थे। तो वो बौद्ध धर्म का अनुयायी था, स्पेशल मैं हर्षवर्धन के ऊपर अब एक क्लास लूंगा स्पेशल हर्षवर्धन के ऊपर, जिससे आपको बहुत अच्छे तरीके से फैक्ट चीजें पढ़ाऊंगा,
अब ये आपको कहानी के बेसिस पे मैंने बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजें आपको दी है और आपकी कादंबरी हो गई एक चंडी गायक करके थी, चंडी गायक कुछ इस प्रकार से थी। इनकी एक और पुस्तक थी इसकी बाणभट्टी, इतना ज्यादा फेमस नहीं है ना ही पूछे जाने वाली है, बस आपको जानकारी के लिए मैं आपके लिए दे रहा हूं। बताया जाता है कि आपका हर्षवर्धन के समय में इसने हर्षवर्धन ने अपने समय में प्रयाग में सम्मेलन कराया करता था। वहां जाके आपका जो विंसान था और आसपास के बीसियों देशों के राजा या बीसियों देशों के राजा वहां पर उपस्थित हुए थे और कई हजार भिक्षु और अन्य धर्मों के भी वहां जाके जो योग्य ऋषि हुआ करते थे वो भी उस सभा में उपस्थित हुए थे। तो हर्ष ने अपनी लंबाई के बराबर में एक स्तंभ स्थापित किया और उसमें स्वर्ण की एक बौद्ध की मूर्ति को स्थापित किया था और महायान के ऊपर संवाद हुआ, बहुत ज्यादा उसके ऊपर चर्चाएं हुई। तो इसके ऊपर आपका जो हिंसांग था इसने लगातार इसके ऊपर संवाद करा लेकिन इसका उत्तर में किसी ने काट नहीं करी। इसको उत्तर में मतलब इसके प्रति किसी ने भी महायान बौद्ध धर्म का जो महायान संप्रदाय था उसको बहुत ज्यादा उसने बखान किया लेकिन किसी ने भी उसके प्रति जाकर या उसके खिलाफ कोई भी उत्तर नहीं दिया। तो यहां से पता चलता है कि आपका बौद्ध धर्म का जो महायान संप्रदाय था उसको आपका हर्ष ने बहुत ज्यादा आगे प्रोत्साहित किया था और इसी से प्रभावित होकर हर्ष ने भी आगे चलकर क्या किया था, बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। और बताया जाता है कि तभी वहां जी के जो इतना बड़ा सम्मेलन था तो उसमें रुकने के लिए हजार हजार व्यक्तियों को रुकने के लिए घास फूस के छप्पर बनवाए जाते थे। तो उन छप्परों में ब्राह्मण वंश के ऐसा बताया जाता है कि ब्राह्मण वंशों के लोगों ने आग लगा दी थी। तो उसी में से कुछों को पकड़ के हर्ष ने मृत्यु दंड भी दिया था 500 के आसपास ब्राह्मणों को, कुछ इस टाइप से ये जानकारियां हमें दी जाती हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हर्षवर्धन को कहा जाता है कि वो धर्म के प्रति भी बहुत ज्यादा डेडिकेटेड या बहुत ही ज्यादा अच्छे माने जाते थे, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत बेसिक सी जानकारी थी किसके ऊपर, वर्धन वंश के ऊपर, कि वर्धन वंश का आखिर उदय कैसे हुआ, कैसे राजधानी थानेश्वर बनी, कैसे थानेश्वर से कन्नौज पहुंची, क्या स्थितियां रही, कैसे आपका प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हुई, मृत्यु के बाद में राज्यवर्धन कैसे आए, राज्यवर्धन के छोटे भाई हर्ष ने शासन क्यों संभाला, ठीक है। बहुत अच्छी तरीके से आपको मैंने एक्सप्लेन किया है, बाणभट्ट की ये कथाएं बताई हैं, अभिलेख मुद्रा पुरातात्विक स्रोत के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से, विदेशी विवरण के माध्यम से, बहुत अच्छी तरीके से छोटे छोटे फैक्ट मैंने आपको बताए हैं, बहुत अच्छी तरीके से कहानी के तौर पर चीजों को कनेक्ट करके समझाने की कोशिश करिए, ठीक है। अब मैं आपके लिए जो अगली क्लास लूंगा वो थ्योरी के ऊपर होगी, बेसिक सी चीजें जो आपके जो फैक्ट बनते हैं परीक्षाओं में उनको मैं हर्ष के अंदर से जो बनते हैं उनको मैं आपको पढ़ाऊंगा और उसके बाद हम आगे देखेंगे आपका पाल वंश देखेंगे, गुर्जर प्रतिहार वंश देखेंगे, चालुक्य वंश देखेंगे और फिर हम दक्षिण के दो तीन चार वंश हैं उनको देख के पूरा हमारा एंसेंट खत्म हो जाएगा और फिर हम करेंगे आपका मिडिवल हिस्ट्री का शुरुआत, ठीक है। तब तक के लिए अच्छे तरीके से मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और ईमानदारी के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो। कैसा लगा मेरा आपको हिस्ट्री पढ़ाने का तरीका, पहले आपको बेसिक में कहानी समझाता हूँ उसके बाद में मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करता हूँ जिससे कि नेक्स्ट क्लास में आपको चीजें रिकॉल हो पाए, आप ज्यादा याद कर पाए, ज्यादा कनेक्ट कर पाए चीजों को, ठीक है। और यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। थैंक यू सो मच।